दोस्तों अगर आप खरीदना चाहते हैं 150 या 160 सीसी सेगमेंट की कोई गाड़ी आप परचेज करना चाहते हैं, तो आपके दिमाग में कौन कौन सी गाड़ियों के नाम आते हैं? ज़ाहिर है आपको TVS की अपाचे आपके दिमाग में सबसे पहले आएगी, पल्सर आपके दिमाग में आएगी, हीरो की एक्सट्रीम आती है और होंडा की SP160 जो अभी करीब 6 महीने पहले ही लॉन्च हुई है और गाड़ी की परफॉर्मेंस भी अच्छी है। इसके अलावा जो 160 सेगमेंट में आपकी एक्सब्लेड भी आती है और एक हॉर्नेट भी आती है जो थोड़ा स्पोर्टियर लुक में चली जाती है। लेकिन अगर हम कम्यूटर बाइक में 160 सीसी सेगमेंट के कम्यूटर सेगमेंट की बात करें तो उसमें TVS अपाचे सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक है, आप लोग देखते भी हैं। तो आज जो मेरा वीडियो होने वाला है वो 160 सेगमेंट की दो बाइक मैं आपके लिए लाया हूँ, TVS की अपाचे RTR 160 और SP160। तो इन दोनों गाड़ियों में क्या डिफरेंस है, क्या आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, कौन सी गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, क्या किस गाड़ी में आपको क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या गाड़ी के लुक्स हैं, वो सभी आज मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं शाहिद और आप देख रहे हैं ऑटो गाइड यूट्यूब चैनल। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों पहले हम बात करेंगे इसके लुक्स की कि गाड़ी देखने में कैसी लगती हैं दोनों गाड़ियाँ। तो बारी बारी से मैं दिखाऊंगा कि देखिए ये आप देख सकते हैं, ये अपाचे RTR 160 का लुक आप देख सकते हैं यहाँ से। कुछ इस तरह से इसका जो फ्रंट में जो हेडलैम्प मिलता है वो LED हेडलैम्प मिलता है, वाइज़र कुछ इस तरह से मिलता है राउंड शेप में, ठीक है। और ये फेंडर मिलता है, इसमें आपको इस तरह से स्टिकर मिल जाता है, साथ ही ABS और डिस्क ब्रेक एलॉय व्हील ये सब इसमें आपको मिलते ही हैं। अगर फ्रंट टायर की बात करें तो इसमें 90x90 का इसमें आपको टायर मिल जाता है। और विंकर्स की अगर बात करें तो हेलोजन विंकर्स इसमें आपको मिलते हैं, LED विंकर इसमें नहीं मिलते हैं, DRL यहाँ पर आपको मिल जाता है। दोस्तों वहीं अगर SP160 की हम बात करें तो फ्रंट आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है, या इसका वाइज़र इसमें दिखता है ज़्यादा, यहाँ पर होंडा का बैजिंग और LED हेडलैम्प इसमें आपको मिल जाती है और हेलोजन विंकर इसमें आपको मिलते हैं। दोस्तों फेंडर कुछ इस तरह से आपको मिल जाता है और इसमें आपको डिस्क ब्रेक साथ में मिलता ही है। और टायर सेक्शन की अगर बात करें तो इसमें आपको 80x100 का टायर सेक्शन इसमें आपको मिल जाता है, ABS इसमें आपको मिलता है। दोस्तों लुक देखिए, ये एक पर्सनल मैटर हो सकता है, किसी को किसी का लुक पसंद आएगा, किसी को कोई लुक पसंद आएगा। तो यहाँ पर फैक्ट रखने वाली बात है तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ यहाँ पर फैक्ट। तो इसमें देखिए हेडलैम्प दोनों में ही LED मिलता है आपको, टायर सेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है, डिस्क ब्रेक दोनों में आपको मिल जाते हैं, इसमें डबल डिस्क का भी ऑप्शन आता है। ये जो वेरिएंट है इसमें सिंगल डिस्क का मैं कर रहा हूँ। और इन दोनों की गाड़ियों की जो कॉस्ट है वो अपाचे ऑन रोड अगर कंप्लीट आप लेंगे तो 1,48,000 रुपये के आसपास पड़ती है और SP160 1,45,000 रुपये के आसपास पड़ती है। तो लगभग जो कॉस्ट है वो दोनों की सेम है। दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका साइड व्यू, साइड से हम कंपेयर करेंगे दोनों ही गाड़ियों को, दोनों ही गाड़ियाँ देखने में कैसी लगती हैं। और मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें कि देखने में कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं राइट साइड से इसका व्यू दोनों ही गाड़ियों का। पहले मैं दिखाता हूँ आपको अपाचे का व्यू। तो इस साइड से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लंबा सा कावल आपको मिल जाता है, सेम वैसे ही आपको SP160 में भी मिल जाता है, जिस पर कि होंडा का बैजिंग और यहाँ पर TVS का बैजिंग आपको मिल जाता है। इसके साथ ही पैनल आप यहाँ से देखेंगे कार्बन फिनिश में यहाँ पैनल आपको मिलता है, लेकिन SP160 में यही पैनल आपको कलर्ड मिलता है और इस पर 3D बैजिंग इसमें मिलता है, यहाँ पे आपको स्टिकर वाला बैजिंग यहाँ आपको देखने को मिलता है। इसके साथ ही अगर कावल की बात करें, जो इंजन कवर है, इंजन कावल है वो इसमें यहाँ पर फाइबर है और आगे यहाँ पर ये मेटल है। और अगर SP160 में बात करें तो यहाँ पर आपको ये मेटल का मिल जाता है, जो गार्ड है यहाँ पर वो मेटल का मिल जाता है। इसके साथ ही अगर हम मफलर प्रोटेक्शन की बात करें तो मफलर प्रोटेक्शन क्रोम फिनिश में यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाता है इसमें। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो साइलेंसर है, साइलेंसर ज़्यादा ऊपर है, SP160 का ऊपर की तरफ उठा हुआ है, ये कम उठा हुआ है और पीछे से ये पतला भी है, वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। अगर हम सीटिंग की बात करें तो सीट लेंथ आपको SP160 में ज़्यादा मिल जाती है और जो रियर ग्रिप है, पीछे रियर ग्रिप आप देखेंगे तो इसमें स्प्लिट टाइप का मिल जाता है, इसमें स्प्लिट है और इसमें सिंगल आपको रियर ग्रिप मिल जाता है।
इसके साथ ही दोस्तों अगर बात करें इसके रियर टायर की, तो SP160 में आपको 130mm का 130mm वाइड रियर टायर मिल जाता है, जो इसमें 110 और 120mm, इसमें 110mm का टायर आपको मिलता है TVS अपाचे में। तो SP160 का टायर ज़्यादा चौड़ा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। दोस्तों बात करें टेल लैंप के लुक की, तो यहाँ से आप देख सकते हैं पीछे का लुक, जो टेल लैंप है इसमें छोटे साइज़ में मिलती है, और इसकी टेल लैंप आप देख सकते हैं थोड़ा सा ब्रॉडर है और ये बड़ी है, थोड़ी इसके मुकाबले बड़ी है। यहाँ पर आपको होंडा का बैजिंग और ये HSRP लैंप मिल जाता है। यहाँ पर कोई बैजिंग इसमें नहीं है, HSRP लैंप इसमें दिया हुआ है आपका। अगर फेंडर की बात करें, रियर फेंडर, इसमें आपको शॉर्ट फेंडर मिलता है छोटा, यहाँ पहिया आपका ज़्यादा दिखाई देता है, इसमें आपका पहिया थोड़ा सा कवर्ड है, ज़्यादा नीचे तक ये दिया गया है। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट फीचर की अगर बात करें, फीचर क्या बहुत ज़रूरी चीज़ है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और राइडिंग कम्फर्ट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। SP160 में आपको मिलता है मोनोशॉक सस्पेंशन, और Apache 160 में आपको मिलता है ट्विन सस्पेंशन, इसमें आपको देखने को मिलते हैं दो सस्पेंशन है राइट लेफ्ट, इसमें आपको मोनो सस्पेंशन मिलता है। इससे राइडिंग कंफर्ट आपको ज़्यादा मिलता है, बैलेंसिंग गाड़ी की ज़्यादा अच्छी रहती है, और ये थोड़ा सा कॉस्टली भी आता है जो मोनोशॉक सस्पेंशन होता है, तो ये एक डिफरेंस और है इस गाड़ी में। दोस्तों अब कंपेयर करते हैं इसके मीटर कंसोल को और फ्यूल टैंक के डिज़ाइन को कंपेयर करेंगे। दोनों ही टैंक 12 लीटर के इसमें मिलते हैं, 12 ही लीटर दोनों की कैपेसिटी है दोनों ही गाड़ियों में। मीटर कंसोल में क्या डिफरेंस है वो एक एक करके हम देखते हैं। तो पहले देखेंगे SP160 का। दोस्तों मीटर कंसोल की अगर बात करें तो कुछ इस तरह से करीब 3-3.5 इंच का ये चौड़ाई में आपका मीटर कंसोल मिल जाता है, और ये लंबाई करीब 6 इंच के करीब इसकी लंबाई मिल जाती है। फीचर्स की बात करें तो इधर ही आपके राइट लेफ्ट इंडिकेटर का डिस्प्ले मिल जाता है, ABS का डिस्प्ले, हाई बीम लो बीम न्यूट्रल इंडिकेटर, इसके साथ ही गियर पोजिशन इंडिकेटर आपको यहाँ पर मिल जाता है, और यही आपका RPM मीटर भी इसमें आपको मिल जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये टैकोमीटर आपको यहाँ पर मिल जाता है, इसके साथ ही फ्यूल इंडिकेशन इसके नीचे ही आपको मिल जाता है। ये आपका गियर इंडिकेटर है, इसके साथ ही किलोमीटर रीडिंग की अगर बात करें तो टोटल किलोमीटर रीडिंग आपको यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ स्पीडोमीटर आपको मिल जाता है किलोमीटर पर आवर, और ये क्लॉक आपको यहाँ मिल जाती है। इसके साथ ही अगर और फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर एवरेज आपको देखने को मिलता है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आप एवरेज देख सकते हैं कि गाड़ी कितना माइलेज दे रही है। इसके साथ बैटरी वोल्टेज आप यहाँ से देख सकते हैं, इसके साथ ही ये किलोमीटर पर लीटर यानी यहाँ एवरेज आपको देखने को मिलता है, ये आपका गाड़ी के अंदर कितना पेट्रोल अभी बचा हुआ है वो ये दिखा रहा है, 0.7 लीटर इसमें दिखा रहा है, यानी एल ये लिखा हुआ है ना, तो गाड़ी के अंदर कितना पेट्रोल है वो ये चीज़ दिखाता है। यहाँ पर LCD डिस्प्ले है ये, और बिल्कुल क्लियरली आपको दिखेगा, ये दिन में थोड़ा सा इतना क्लियर नहीं है, रात को अगर देखेंगे तो बहुत अच्छे से इल्यूमिनेट करेगा। दोस्तों की सेट की अगर बात करें तो की कुछ इस तरह से आपकी इसमें देखने को मिल जाती है, जो यूनिकॉर्न में आपको देखने को मिलती थी उसी तरह से, और यहाँ पर दिया गया है होंडा का बैजिंग इस तरह से। लेफ्ट हैंडल बार की अगर बात करें तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन स्विच आपको मिल जाता है, सबसे नीचे आपको इसमें हॉर्न स्विच और ये टर्न इंडिकेटर लेफ्ट राइट स्विचेस की क्वालिटी बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही ये हाई बीम लो बीम और हाई बीम और लो बीम ही मिलता है, इसमें पासिंग का आई थिंक नहीं है, अच्छा पासिंग इस साइड ये दिया गया है। फ्रंट से आप देखेंगे यहाँ पर एक पासिंग स्विच आपको मिल जाता है, ORVM आपको कुछ इस तरह से मिल जाते हैं। पाइप की अगर बात करें तो सिंगल पीस में आपको ये पाइप मिल जाता है ब्लैक फिनिश में, यहाँ पर ये आपका कवर मिल जाता है इसका, जो इसका फिटमेंट कवर है ऊपर से। और राइट साइड की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको सेल्फ स्विच इस तरह से मिल जाता है, और ये आपको मिल जाता है हजार्ड स्विच, और यहाँ पर आप इंजन किल स्विच आपको मिल जाता है। इनके ऊपर एक ग्रे कलर में ये एलिमेंट यहाँ पर मिल जाता है, जो गाड़ी के लुक को एनहेंस करता है। इसके साथ ही फ्यूल कैप की अगर बात करें तो इस तरह से कुछ फ्यूल कैप आपको मिल जाता है। अपाचे के फ्यूल टैंक को देखेंगे और मीटर कंसोल को, तो पहले हम देखेंगे मीटर कंसोल, तो मैं ऑन कर देता हूँ। मीटर कंसोल कुछ इस तरह से मिल जाता है, यहाँ पर ABS की लाइट और ये MIL लैंप, इसके साथ यहाँ पर टाइमिंग मिल जाती है आपको, और टाइम के साथ साथ मिल जाता है आपके मीटर और ये मीटर के आपका इंडिकेशन यहाँ मिल जाता है, और यहाँ पर टोटल रीडिंग और साइड का इंडिकेटर आपको यहाँ
इसके साथ ही ये पासिंग स्विच यहाँ पर आपको मिल जाता है। अगर हम राइट साइड में बात करें तो यहाँ पर इंजन किल स्विच, सेल्फ स्टार्ट और एक मोड इसमें मिल जाता है जो यहाँ पर आप देखेंगे अर्बन, स्पोर्ट और रेन मोड। मीटर पे आप देख सकते हैं रेन मोड, अर्बन मोड और स्पोर्ट मोड, ये तीन मोड यहाँ से दिए गए। हालांकि मैंने गाड़ी को चला के देखा तो उससे मुझे कोई फ़र्क महसूस यहाँ पर नहीं हुआ। एक चीज़ जो और है इसमें, जो SP160 में इसमें यहाँ पर आपको हज़ार्ड स्विच मिलता है, वो यहाँ पर आपको हज़ार्ड स्विच यहाँ नहीं मिलता है। अगर रियर व्यू मिरर की बात करें तो कुछ डिज़ाइन कुछ इस तरह से मिल जाता है। वाइडर जो चौड़ा रियर व्यू मिरर है वो SP160 का है, ये थोड़ा पतला है और लंबा है, मतलब इसका जो एरिया है ये कम कवर कर रहा है, वो कवर ज़्यादा कर रहा है। तो दोस्तों अगर फ्यूल टैंक की बात करें तो फ्यूल टैंक कुछ इस तरह से मिल जाता है। यहाँ आपको फाइबर का कोई पैनल नहीं मिलता है, सीधा स्टिकर मिलता है और फ्यूल कैप उसी तरह से मिलता है और E20 का बैजिंग यहाँ पर मिलता है। E20 का बैजिंग आपको SP160 के ऊपर भी मिलता है। तो दोस्तों अभी जो मैं एक और चीज़ कंपेयर करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ इंजन की साउंड, एग्जॉस्ट साउंड और गाड़ी के वाइब्रेशंस। तो इसको कंपेयर करने के लिए हम दोनों ही गाड़ियों पर चलते हैं बारी बारी से। तो पहले मैं अपाचे 160 पे आप देखेंगे तो यहाँ दोनों की साउंड शायद ऑडिबल होगी आपको, और मैं एक बार एक्सीलेटर और देता हूँ। यहाँ इंजन साउंड भी इसमें ज़्यादा है और ये एग्जॉस्ट की साउंड भी अलग है। अगर यही हम कंपेयर करें SP160 को तो इसमें इंजन में साउंड नहीं है और एग्जॉस्ट में भी कोई साउंड नहीं है, साइलेंट गाड़ी है एकदम से। आप सुन भी पा रहे हो, मैं दोनों ही गाड़ियों में कोई एक्सीलेटर नहीं दे रहा हूँ, तो इस वक्त आपको कौन सी गाड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही है आप ये देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी गाड़ी की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। दूसरी चीज़ हम कंपेयर करेंगे वाइब्रेशंस। ये अभी आइडल मोड में है गाड़ी, आइडल स्पीड, कोई एक्सीलेटर नहीं दिया हुआ और गाड़ी के RPM जो इसमें आ रहे हैं वो 2000 से नीचे RPM है, 2000 से नहीं बल्कि 1500 RPM के लगभग हैं इसमें। और इसमें हम देखें तो इसमें करीब 1700 RPM, 1800 RPM के करीब है। अब RPM हालांकि अपाचे 160 के कम है और इसके RPM ज़्यादा हैं, बट दोनों ही कंडीशन में अब वाइब्रेशन आप देखेंगे तो मुझे जो देखने में लग रहा है, देखिए यहाँ से भी आप देख सकते हैं इसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हैं। नंबर प्लेट फेंडर पर जो लगी हुई नंबर प्लेट है उसमें कितने वाइब्रेशन आ रहे हैं शायद आप देख पा रहे होंगे। पेपर से भी आप देख सकते हैं और थोड़ा सा वही। अब हम देखते हैं SP160। SP160 में कोई फेंडर पे कोई वाइब्रेशन नहीं आ रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये बात तो ज़रूर है, देखिए होंडा जो है अपने इंजन के लिए जाना जाता है, बहुत ही साइलेंट इंजन होते हैं, स्मूथ इंजन होते हैं, वाइब्रेशन फ्री इंजन होते हैं। वो चीज़ यहाँ प्रूव हो रही है कि इसके वाइब्रेशंस और इसके वाइब्रेशन आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें इसके सीट हाइट की तो सीट हाइट जो है अपाचे 160 की कम है, 790 mm इसकी सीट हाइट है, वहीं SP160 की 796, यानी 6 mm का फ़र्क है। मेरी हाइट है 5.5 feet और मैं इस पर आपको बैठ के दिखाता हूँ। मेरे जब मैं RTR 160 पर बैठता हूँ तो मेरा पूरा पैर जो है वो ग्राउंड पे टच होता है, इसकी एड़ी भी और आगे से अंगूठा भी, यानी पूरा फुल पैर मेरा ग्राउंड से टच होता है इस तरह से। तो बाकी आप अगर जो भी आपकी हाइट है अपनी हाइट के हिसाब से आप बैठ के देख सकते हैं, गाड़ी की टेस्ट हाइट ले सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। वहीं मैं SP160 पे अगर बैठता हूँ तो इसकी 6 mm ज़्यादा है और 6 mm में जो फ़र्क पड़ा वो ये है कि मेरा अगर मैं आगे से पैर टच कर रहा हूँ तो एड़ी मेरी पीछे से
थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है। तो अगर जिनकी हाइट कम है, ज़्यादा कम है अगर, तो उनको श्योरली दिक्कत होने वाली है। और जिनकी हाइट कम है वो अपाचे पर जा सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अब इसके इंजन परफॉर्मेंस की। तो पावर की सबसे पहले बात करेंगे तो दोनों ही गाड़ियों में लगभग बराबरी पावर आपको मिलती है। इसमें 9.9 किलोवाट की मिलती है एसपी 160 में, और अपाचे आरटीआर 160 में आपको मिलती है 9.8 किलोवाट की पावर। वहीं अगर टॉर्क की बात करें तो टॉर्क में थोड़ा सा फ़र्क है। 12.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिलता है अपाचे आरटीआर 160 में, वहीं 14.58 का टॉर्क आपको मिलता है एसपी 160 में। तो टॉर्क इसमें ज़्यादा मिलता है एसपी 160 में, तो यहाँ एक ये फ़र्क है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।